नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस आज हम बात करने वाले हैं पार्क एवेन्यू के नए सीरीज में से पार्क एवेन्यू लाइव वायर के बारे में। तो पैकेजिंग से शुरू करते हैं गाइस। पैकेजिंग मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है, एक वाइब्रेंट पैकेजिंग देने की कोशिश की है इस सीरीज में। सारे ही जो इस सीरीज के फ्रेग्रेंसीज है इसमें काफी वाइब्रेंट पैकेजिंग देने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक जैसे बिजली गरजने पे जैसे हमें दिखाई देता है, एक उस किस्म का हमको डिज़ाइन देखने मिलता है। साइड में लाइव वायर लिखा गया है, इस तरफ कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिए गए हैं, ऊपर पार्क एवेन्यू का लोगो, यूथ पफा कॉन्सेंट्रेशन है, 100 ml की क्वांटिटी है, पीछे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाते हैं। और अगर पैकेजिंग के अंदर हम देखें तो एक फ्लैप कवर मिल जाता है। तो गाइस लाइव वायर के अगर हम नोट्स की बात करें तो इसके टॉप नोट में मिलता है ऑरेंज ब्लॉसम, रोजमेरी, बिटर ऑरेंज, हार्ट नोट में एलमंड, टोंका बीन्स, बॉटम नोट में लेदर, वेटिवर और सीडर। तो गाइस लाइव वायर के अगर हम स्मेल की बात करें तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इसमें फ्रेशनेस हमको मिलता है, एक हल्का हमको फ्रेशनेस इस फ्रेग्रेंस में देखने मिलता है। ओपनिंग में हमको बढ़िया एक सिट्रसी वाइब मिलता है जो कि ऑरेंज ब्लॉसम की वजह से है। ऑरेंज ब्लॉसम का एक सिट्रसी वाइब हमको मिलता है, लेमनिश वाइब हमको देखने मिलता है। जैसे जैसे ये मिडल में जाता है हमको एक टोंका बीन का बढ़िया हमको एसेंस मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिडल में ये टोंका बीन जैसा हमको एसेंस देता है और थोड़ा थोड़ा स्वीट एसेंस हमको देने लगता है। एलमंड का इसमें मेंशन किया गया है मगर ओवरऑल हमको टोंका बीन और स्वीटनेस हमको देखने मिलता है। जैसे जैसे ये बेस में जाता है वेटिवर जो है जो कि खस होती है उसका हमको स्वीटनेस मिलता है। सीडर वुड का काफ़ी प्रोमिनेंट हमको नोट देखने मिलता है जिसकी वजह से ये एक वुडी एसेंस देता है। तो बेस से आगे तक ये एक वुडी एसेंस बन जाता है। ओवरऑल अगर हम इस फ्रेग्रेंस के स्मेल को डिफाइन करें तो ओपनिंग में एक हल्का सिट्रसीनेस रहता है, उसके बाद ये फ्रेग्रेंस हमको टोंका बीन का एसेंस देता है, वेटिवर जो कि खस है उसका एसेंस देता है, सीडर वुड का हमको स्ट्रॉन्ग वुडीनेस देता है। ये फ्रेग्रेंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस हमको इस फ्रेग्रेंस में मिल जाता है। तो स्वीटनेस और वुडी एसेंस की वजह से लास्टिंग और प्रोजेक्शन काफ़ी बढ़िया देखने मिलती है। और गाइस इस फ्रेग्रेंस में हमको थोड़ा सा एक फ्रूटी एसेंस भी काफ़ी बढ़िया हमको देखने मिलता है, एक माइल्ड हल्का उसका एसेंस रहता है। इसमें ऑफिशियल नोट तो रोजमेरी का दिया गया है मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ब्लूबेरी का हमको हल्का सा एसेंस देखने मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप एक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस देख रहे हैं जिसकी प्रोजेक्शन अच्छी हो, लास्टिंग अच्छी हो, हल्का सा जिसमें लेदर का एसेंस हो मगर मेजरली एक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर लाइव वायर के साथ जा सकते हैं। ओपनिंग में हमको सिट्रसीनेस मिलेगा मगर उसके बाद ये स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस बन जाता है। तो गाइस आ जाते हैं पार्क एवेन्यू लाइव वायर के प्रोजेक्शन और लास्टिंग में। तो प्रोजेक्शन जो है मुझे इजीली 1.5 से 2 घंटे का मिल गया है, लास्टिंग मुझे करीब 5 से 6 घंटे की मिली है। मैंने सुबह 10 बजे के आसपास लगाया था और इवनिंग 5 से 6 बजे तक मुझे लास्टिंग मिल रही थी। उसके बाद भी मिलती है मगर काफ़ी क्लोज टू क्लोथ्स हो जाता है, क्लोज टू स्किन हो जाता है इसका एसेंस। तो लास्टिंग में 5 से 6 घंटा इजीली हमको मिल जाता है, उसके बाद भी लास्टिंग देखने मिलती है मगर क्लोज टू स्किन। तो गाइस टाइम ऑफ वेयर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में काफ़ी बढ़िया वर्क करेगा। मॉर्निंग में इसके सिट्रसी ओपनिंग की वजह से और प्लस अच्छी खासी लास्टिंग की वजह से ये मॉर्निंग में वर्क करेगा और इसमें जो स्वीटनेस और वुडीनेस है उस वजह से ये नाइट टाइम के लिए भी काफ़ी बढ़िया फ्रेग्रेंस हो जाएगा। पार्टीज, स्पेशल ओकेशंस के लिए काफ़ी बढ़िया एक चॉइस हो जाएगा। क्लबिंग हो गया, डेट नाइट्स हो गए, उनके लिए भी लाइव वायर एक अच्छा चॉइस हो जाएगा। सीजन ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो ये एक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस बन जाता है जो कि विंटर में काफ़ी बढ़िया वर्क करेगा मगर रेनी सीजन में भी गाइस लाइव वायर जैसे इसमें बिजली के कड़कने की फोटो दिए गए हैं उसी किस्म से रेनी सीजन में ये फ्रेग्रेंस काफ़ी बढ़िया वर्क करेगा। और अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है यंग से लेकर मिडिल एज तक जो भी एक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस देख रहे हैं अच्छी खासी लास्टिंग के साथ, ओवर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, ये स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस है जो कि अच्छी खासी हमको लास्टिंग दे देता है, तो उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया चॉइस हो जाएगा। तो गाइस प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें तो MRP जो है इसकी 1200 rupees दी गई है मगर ऑनलाइन चेक करने पर इसकी प्राइस हमको 550 rupees से अंदर ही मिलती है, करीब 520-530 rupees में हमको ये 100 ml का बॉटल मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज में मैं इसको एक काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस मानूंगा। एक स्वीट है फ्रेग्रेंस, वुडी फ्रेग्रेंस हमको मिल जाता है जिसमें लेदर का भी एक बढ़िया नोट देखने मिलता है जो
थोड़ा रेयर है इस प्राइस रेंज वाले नोट्स में। तो ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो लाइव वायर जो है पार्क एवेन्यू की तरफ से है, तो एक अच्छा ब्रांड हमको मिल जाता है। और अगर आप एक स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसके साथ जा सकते हैं। प्राइस में भी हमको अच्छा पड़ता है, फ्रेशनेस उतना ज़्यादा नहीं है इसमें, तो फ्रेशनेस ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ हमको काफ़ी एक प्लेजेंट स्मेल भी हमको इसमें देखने मिल जाता है। इस कैटेगरी में पार्क एवेन्यू वालों ने 3 और फ्रेग्रेंसेस निकाले हैं, जैसे फाउंडर हो गया, डायनामो हो गया और डिस्कवरर हो गया। तो इन चारों ही में से अगर आपने किसी फ्रेग्रेंस को यूज़ किया है तो वो आप मुझे बताइए। और इस कैटेगरी में फाउंडर, डायनामो और डिस्कवरर में से आप किसका एक डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं ये भी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।